Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9. अजमेर जिले से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है. अजमेर जिले के सरवाड़ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह में उर्स के मेले की चादर चढ़ाने का कार्यक्रम 31 मार्च को लॉकडाउन के बीच रखा गया और यहां पर सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियम एक तरफ धरे रह गए. सरवाड़ की इस दरगाह में करीब 100 लोगों ने मस्जिद में पहुंचकर रस्म शुरू कर दी. वहीं पुलिस ने जब भीड़ को समझाने की कोशिश की तो यहां मौजूद लोगों ने पुलिस की एक नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और इसके बाद पुलिस ने दरगाह के प्रमुख सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया. वहीं पूरे मामले में हमारे सूत्रों के मुताबिक अंजुमन कमेटी दरगाह अजमेर के जो 10 सदस्य हैं उनको जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से परमिशन दी गई थी, लेकिन इनके सरवार दरगाह में पहुंचने के बाद वहां काफ़ी संख्या में लोग मस्जिद के पीछे वाले हिस्से से दाखिल हो गए. इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और इसके साथ पुलिस ने मस्जिद के प्रमुख सहित 6 लोगों के खिलाफ राजस्थान एपिडेमिक डिजीज के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जमालुद्दीन हुसैन, मोहम्मद मिराज, फकीर बाबा दरगाह सरवार, बसंत कुशवा, अजर नवाब कुरैशी को गिरफ्तार किया है. वहीं राजस्थान में भी कुछ लोग तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर लौटे हैं, जिनमें चूरू, उदयपुर, अजमेर, टोंक और बाड़मेर से तबलीगी जमात के लोगों को प्रशासन ने पकड़ लिया है. इन लोगों की पहचान करके जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है. अलग अलग जगह से इनके सैंपल जुटाकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसके साथ ही इनको मॉनिटरिंग कर आइसोलेशन में रखा गया है. दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे 2 युवकों को अजमेर की गंज थाना पुलिस ने जाँच के लिए JLN अस्पताल के अंदर भर्ती किया है. अजमेर के लौंगिया मोहल्ला निवासी शबीर और फूलगली निवासी अबरार 9 मार्च को दिल्ली तबलीगी जमात में गए थे. वे 12 मार्च को वहाँ से अजमेर आए थे और आपको बता दें कि अजमेर में पहले से ही एक अन्य परिवार के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. खैर, आपके आसपास भी अगर कोई तबलीगी जमात से आया हुआ है, कोई शख्स ऐसा मौजूद है, तो उसकी सूचना नज़दीकी थाने में तुरंत दें. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप. अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें. अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46. अपनी सुरक्षा के लिए
हमारी मदद कीजिए।